फिल्म परवाना से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री योगिता बाली को मेरे अपने जमीन आसमान, झील के उस पर, जानी दुश्मन, बीवी ओ बीवी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। योगिता बाली किशोर कुमार की तीसरी पत्नी बनी थी। रूपा देवी से तलाक लेने के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की थी। मधुबाला की मौत के बाद योगिता किशोर कुमार की जिंदगी में आई। योगिता ने किशोर से चट मंगनी पट ब्याह किया था। साल 1976 में हुई ये शादी साल 1978 में टूट गई। शादी के टूटने का कारण दोनों के आपसी मतभेद भी थे और योगिता बाली का अचानक से मिथुन चक्रवर्ती के करीब आ जाना भी था। उधर मिथुन का अपनी पहली पत्नी हेलना लुक से तलाक हो चुका था। शादीशुदा होने के बावजूद भी मिथुन योगिता पर अपना दिल हार बैठे थे। तलाक के बाद योगिता ने मिथुन से दूसरी शादी कर ली और मिथुन की दूसरी पत्नी बन गई और दोनों के चार बच्चे भी हुए। हालांकि योगिता बाली से शादी के बाद भी मिथुन खुद को दोबारा प्यार करने से नहीं रोक पाए थे। 80 के दशक में मिथुन और श्रीदेवी के करीब आने की खबरें मीडिया में खूब आई थी। पति के इस धोखे ने योगिता के दिल को गहरी ठेस पहुंचाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मिथुन को नहीं छोड़ा और घर परिवार के लिए ये मिथुन के साथ ही रही। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिथुन और श्रीदेवी ने मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन जैसे ही योगिता को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना के बाद से मिथुन काफी डर गए और उन्होंने श्रीदेवी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे।